उधर से थोड़ा थोड़ा खोल, वापिस से करें। तो जी यहाँ बनना है मेरा हलवा, और मैं बना रही हूँ सूजी, बेसन और गेहूँ के आटे का हलवा। तो वही थी जो तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद मैंने डाल दिया है घी और रख दिया है गैस के ऊपर। तो देखिए मैं यहाँ हलवा भून रही हूँ, और जो उसका आटा मैंने लिया था तीनों चीज़ों का, थोड़ी सी सूजी ली थी, थोड़ी सी बेसन और थोड़ा सा गेहूँ का आटा, उन्हीं चीज़ों तीनों चीज़ों को ऐड करते हुए मैंने उसमें घी डाला है और उसी को मैं भून रही हूँ। और कभी बना कर देखना, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए लगभग भून गया है, नीचे भी बिल्कुल कलर इसका ब्राउन हो गया है और नीचे तलेट में भी बिल्कुल ब्राउनिश शेड इसके दिखने लग गई है। और साइड हलवे में हमेशा गर्म पानी ऐड करना चाहिए, जो मटेरियल था पक चुका है बिल्कुल, और ज़्यादा तो मैं बिल्कुल ऐसा सा बनाती हूँ लगभग पानी है, और वो मैं गर्म पानी ऐड करूँगी अच्छे से पानी और तो बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी हलवा बनाते हुए। तो बनेगा सूजी गेहूँ का, जो ये सूजी है जो साइड में थोड़ी सी लग रही थी मैंने, और घी मैंने पूरा अच्छा खासा डाल दिया, ज़्यादा है जब वो बर्तनों में चिपटा रहता है ना तो फिर जी तल मिलाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो जी हम करते हैं पानी ऐड, और ये देखिए मैंने इसमें कर दिया पानी ऐड, कम रहेगा तो और डाल देंगे अभी, तो मेरे को लगा कम है तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। और अब इसको चला देंगे हम, अच्छे से चलाने के बाद बिल्कुल मैश हो जाएगा। इसमें डाल दूँगी चीनी, चीनी अक्सर मैं पहले ऐड करती थी लेकिन कल मैंने बाद में ऐड करके देखी, क्योंकि कई बार क्या होता है चीनी पहले डालते हैं ना तो उसमें डड़ी सी पड़ जाती है और वो बिल्कुल भी पिघलती नहीं है, तो वो जाड़ों में नहीं चाहती हैं तो कर से नहीं लगती। मैंने इसमें अभी पानी ऐड कर दिया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती जब तक। और अब ये देखिए मैंने चीनी भी ऐड करी, घी छोड़ के जो तलेट में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, हलवा है तैयार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सब, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी टाइम है सुबह का, बज रहे हैं 9, और मैंने आज थी मावस तो मैंने पूजा कर दी है, और हमारे लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं और बैठ गए हैं मंदिर में, और ये इधर मैंने कर दी थी मावस की पूजा, क्योंकि मावस की पूजा मंदिर में नहीं होती तो मैं साइड में ही करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना पितरों की पूजा कभी भी मंदिर में नहीं करते, तो मैंने कर दी थी इधर साइड में रख के, और काफ़ी देर जड़ी है, मैंने घी अच्छा खासा डाल दिया था। और आज था लास्ट कनागत, तो आज के दिन होती है बिल्ली चुकी बोल देते हैं ना, वो सभी निकल जाती है आज, और तो मैंने सुबह जल्दी निकालती थी जो भी बिल्ली चुकी होती है, वैसे मावस में निकालती हूँ। तो जी कनागत होगी फिनिश और कल से लग जाएंगे नवरात्रा, तो अब करते हैं और कम, एक बार तो नाश्ता बन चुका है, दोबारा अब मैं बनाऊंगी अपनी सब्जी, सब्जी नहीं बनी, आटा लगा रखा है, और ये सब्जी बनाऊंगी भिंडी की, और ये वही भिंडी है जिस दिन मैंने आपको वीडियो में बताई थी, और आज मैं खोल के दिखाऊंगी वैसी की वैसी मिलेंगी, क्योंकि मैंने ऐसे कैसे लगा के नोट लगा के रख दी थी, कुछ भी नहीं बिगड़ा इनका, है जैसी जैसी है ये। तो जी चलो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो जी यहाँ मैं बना रही थी भिंडी की सब्जी, वही मैं सुबह सुबह मैंने मावस थी तो श्राद्ध वगैरह निकाल लिया था, हमारे बापू का श्राद्ध था और काल अमावस्या थी, जो भूले चुके बोलते हैं ना, जो बूढ़े बोलते थे भूले चुके अमावस्या को निकाल देते हैं, तो वही बस मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने बनानी चालू की सब्जी, और सब्जी बनाऊंगी भिंडी की, वही भिंडी है जो मैंने जिस दिन दिखाई थी, देखते हो आप ख़राब नहीं हो रही है, वैसी की वैसी ताजी ताजी है। तो ये भिंडी मेरी कट हो चुकी है और प्याज कर लिया है, भिंडी कट के मेरी है रेडी, और साइड में पड़े हुए छिलके उनको भी उठाती हूँ, ये बस भी गई है भिंडी। बनने लगी है मेरी चाय, और नीचे लगे हुए मिस्त्री, क्योंकि दीपावली आ रही है तो कुछ काम करवा लेते हैं, उसी चक्कर में टाइम से लगवा लिए थे, क्योंकि फिर 30 तारीख को हमें कहीं जाना है, 3-4 दिन लग जाएंगे, उससे पहले ही बार बार का काम सिमट जाए, इसलिए मिस्त्री लगे हुए हैं बाहर, और उनकी छुट्टी थी। तो और सब्ज़ी मेरी अभी भी रखी है, मैंने तड़का नहीं लगाया है क्योंकि मैं बनाने लगी थी चाय, और मिस्त्री लगे होते तो बार बार कभी कुछ काम आता ही रहता है, और 2 ही जने हैं तो ये मैंने 2 डिस्पोजल निकाल लिए हैं, और ये आरू लेके खड़ी है, कह रही है मैं भी इसी में लूंगी, और ये चाय की शौकीन हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं मेरी मम्मा झूठ बोल रही है, मेरे पापा का कप है। और ये रोटी रखी हुई है जी रात की, मैं सुबह जाती हूँ डेयरी में, वहाँ जाती हूँ तो भूल गई लेके जानी, तो अब बाहर कुत्तों को डाल दूंगी, और आरू नीचे जा रही है बार बार ऊपर आ रही है, सुबह से पता नहीं कितने चक्कर लगा लिए, और फिर कह रही है अरे यार मैं तो थक गया,
इसकी दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो बोलेगी अरे मैं तो डर गया, और एक बोलेगी अरे मैं तो भूल गया, और आज कह रही है अरे मैं तो थक गया। बोलती हुई बहुत अच्छी लगती है ऐसी। क्या करेंगे? अच्छा, और अब इसकी फरमाइश है कि डिस्पोजल दे दो मुझे और भी, तो मैं ऐसे ऐसे करके ताजमहल बनाऊंगा। किसके लिए बनाएगी ताजमहल तू? राजा के लिए। अच्छा, राजा ने तो अपनी रानी के लिए बनाया था, और तू अपने तू राजा के लिए बनाएगी है। ठीक, तो जी यहाँ आरूप अभी बच्ची है, इसको इतना पता नहीं है इस बारे में, बच्चों को बस खेल का पता होता है। कौन चाय हमारी है बनने को तैयार? नहीं अभी नहीं बनी है, बना रही है चाय। और कुछ भी नहीं हुआ जी सुबह के बाद, क्योंकि साफ सफाई सुबह ही हो गई थी, और सुबह काम हो जाता है ना, उसके बाद फिर जो रह जाता है उसको बस लिचड़पना हो जाता है। ये देखो सिंक में जो गाय का रोटी दिखाई थी वो रखी हुई है थाली, ऐसे कैसे सुबह चाय पी थी वो रखे हुए हैं, दूध की बर्नी रखी है। तो अभी इनको समेट देंगे फटाफट से, अभी मैं देंगी पहले नीचे वालों को चाय। चाय बोर्ड हमारा आ चुका है, और अब शुरू कर रहा है अनबॉक्सिंग। आराम से ढंग से करना, उधर से थोड़ा थोड़ा खोल, वापिस से करें फिर वापिस नहीं जाता, उधर उतरना पड़ेगा वापिस। आराम आराम थोड़ा थोड़ा कट कर। अरे इसके साथ साथ चालू। हेलो भाई, आप सब कैसे हैं? आई हो सब ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का है मेरा ट्राइपॉड, और अब हम वीडियो बनाएंगे ट्राइपॉड से। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय।